सो फाइनली गाइज, थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो हमारा अपडेट है वो हालांकि आ चुका है। जो अपडेट है वो है MIUI 10 का लेटेस्ट अपडेट 8.8.16, यानी कि 16 अगस्त 2018। तो इस अपडेट में आपको क्या क्या नए फंक्शन मिल जाएंगे और कौन कौन से इसमें बग्स है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ MIUI 10। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर आप जाएंगे यहाँ पर व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। पहले की तरह यहाँ लिखा हुआ है बग्स पिक्स इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हमको नया आया है। अगर आप जाएंगे MI फोरम में, तो अभी तक MI फोरम में भी नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी MIUI फोरम में नहीं आया है कि इस अपडेट में हमको क्या नया फंक्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेटेस्ट फंक्शन है उसके बारे में। गाइज, अगर आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। तो एडिशनल सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है एंटरप्राइज मोड। जी हाँ गाइज, शायद ये यही अपडेट में हमको मिला है, क्योंकि इसके पहले के अपडेट में मुझे ये नहीं दिखा था। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो जो आपकी डिवाइस है कुछ इस तरह की आपको यहाँ सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट एंटरप्राइज मोड और दूसरा है अबाउट एंटरप्राइज मोड। तो क्या है वो जो मालूम नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम अबाउट पर क्लिक तो नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्टिव एंटरप्राइज मोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव एंटरप्राइज मोड, एंटर योर कॉर्पोरेट कोड अलॉन्ग विद द लाइसेंस कोड टू एक्टिव एंटरप्राइज मोड, आफ्टर दिस कस्टम एंटरप्राइज सर्विस विल बी अनेबल। और कॉर्पोरेटेड कोड, लाइसेंस कोड, ये सब क्या है मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है ये सब क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा है कि ये सब क्या है। यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके जरिए आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमको मालूम नहीं है। अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं अबाउट एंटरप्राइज मोड पर। तो यहाँ पर हमको ब्राउज़र का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो हमारी जो MIUI की साइट है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ओपन हो जाएगी। तो चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्रोम का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी परमिशन लिखी हुई है, क्या है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुझे अगर मालूम पड़ जाएगा तो मैं इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना डालूंगा। तो ये हमारा एक छोटा सा अपडेट था। और दूसरा एक नोट में अपडेट था जो कि वो है थीमिंग सेटिंग। अगर गाइस आप जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में हमको मिल जाता है थीम का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमको तीन ही थीम मिलती थी, अब की हालांकि पूरी थीम सेंटर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारी पूरी थीम सेंटर है वो यहाँ पर हमको शो कर रही थी। तो इसके पहले के अपडेट में क्या हुआ था, सारी थीम यहाँ से हट चुकी थी, बल्कि इस अपडेट में फिर से हमको सारी थीम यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको बार बार थीम सेंटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमको मिला है। अगला अपडेट है जो कि वो है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन नोटिफिकेशन। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी नोटिफिकेशन पैनल है वो कुछ इस तरह की हमको यहाँ पर मिलती है। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप क्या है MIUI 10 का लेटेस्ट अपडेट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन। आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर गाइज आप कोई भी गेम खेलते हैं तो इसको डायरेक्टली स्ट्रीम करने के लिए यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको बार बार यहाँ से हमको सेटिंग में जाके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अनेबल नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर टैप करेंगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो भी काफ़ी बढ़िया हमको अपडेट मिला है। तो बार बार हमको MIUI 10 का अपडेट मिलते हैं तो इसके जरिए हम काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस को। गाइस, चला है हमारा जो कैमरे, अगर आप कैमरे को चेक करेंगे तो हालांकि यहाँ पर कोई भी तरह का हमको अपडेट नहीं मिला है। जो हमारा वीडियो में एक अपडेट था जो कि वो था 1080p 60fps, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1080p 60fps। हालांकि उसके पहले के अपडेट में जो हुए वो हैंग होता था, बट इस अपडेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया हमको अपडेट मिला है। अगर गाइस आपको अपडेट नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस है कोई भी MIUI का डिवाइस है, इसमें आपको MIUI 10 का इंस्टॉल करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं किस तरह से आप स्टेबल वर्जन से बीटा वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस, ये छोटा सा अपडेट हमको मिला है। तो आपको शायद मालूम चल गई होगा कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नए फंक्शन मिल जाएंगे। सो गाइस, ऐसे ही अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।